तो दोस्तों यहाँ पर भी देखें, इन्होंने एक पिंजरे के अंदर बर्ड्स रखे हुए, पिंजरा लकड़ी से काफी मजबूती से और काफी खूबसूरती से बना हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बीकानेर के ही एक बर्ड सेटअप पर आए हैं, जो कि अंकल है जो काफी लंबे टाइम से बर्ड्स रख रहे हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं इन्हें नहीं जानता था और आज मैं इनके बर्ड सेटअप पर आया और मैंने आप सभी को भी इनके सभी बर्ड्स दिखाए। दोस्तों ये मेनली अभी बजीज पैरेट रख रहे हैं। इससे पहले अंकल ने हमें बताया कि इससे पहले और भी कई तरह के बर्ड ही रखते थे और भी अभी शायद एक सेटअप पे और भी बर्ड है ना अंकल? एक सेटअप है जहाँ पर इन्होंने अभी भी कई तरह के बर्ड्स रखे हुए हैं, तो वो भी कभी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज तो आप देखें बजरी तोतों का बर्ड सेटअप। दोस्तों काफी सारे बजरी तोते इन्होंने इस बर्ड सेटअप पर रखे हैं और सभी का बर्ड्स रखने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। हम जिस तरह से बर्ड रखते हैं, हम प्रॉपर तरीके से उनको मटकियां देते हैं कि भाई इतने जोड़े हैं तो इतनी ही मटकियां दी जाएगी, मटकी का ये साइज होगा, बर्ड के पिंजरे का ये साइज होगा। लेकिन ये जिस तरह से बर्ड रख रहे हैं, ये दोस्तों अपने शौक के हिसाब से बर्ड रखते हैं, ये ज्यादा फोकस नहीं देते बर्ड्स की ब्रीडिंग पर। नॉर्मली इन्होंने कई सारी मटकियां लगा रखी है, इन मटकियों में ब्रीडिंग भी होती है, बर्ड्स भी बढ़ते हैं। मेन जो चीज मैंने देखी वो ये है कि इनके यहाँ पर जो कलर है वो काफी अच्छे कलर है, इनको शायद कलर का ही शौक है और ये काफी जो पेट शॉप वाले हैं उनसे कलर भी चेंज करते रहते हैं। तो मैंने नॉर्मली देखा कि ग्रीन और येलो जो कलर है वो इनके बर्ड सेटअप पर नहीं है। दोस्तों अभी जो इनके पास में बर्ड मैंने देखे, आप सभी को भी दिखाए, ये कलर काफी मुझे खूबसूरत लगे। इसमें दोस्तों मेनली आसमानी और ब्लू कलर इनके पास है। तो दोस्तों अब अंकल से बात करते हैं। नमस्ते अंकल। अंकल क्या नाम है आपका? संजय पांडे। संजय जी पांडे, आप कितने टाइम से रख रहे हैं? 35 साल से। दोस्तों ये बता रहे हैं कि 35 साल से ये बर्ड रख रहे हैं, इससे पहले आपने इस सेटअप पे कौन कौन से बर्ड रखे हैं? इससे पहले मेरे पास पहाड़ी तोते थे, लव बर्ड थे, कॉकटेल थी, और किंग्स थी, कबूतर थे। कबूतर काफी मात्रा में थे शायद आपकी बात। हाँ दोस्तों इन्होंने डॉग्स भी रखे हैं, कबूतर भी रखे हैं, लव बर्ड्स, कॉकटेल, हर तरह के बर्ड्स इन्होंने रखे हैं और खास तौर पर कबूतर तो इन्होंने काफी सारी क्वांटिटी में रखे हैं। और अभी वैसे कौन कौन से बर्ड हैं आपके पास? अभी मेरे पास लव बर्ड भी है, खाली और ये बस भी करें तो दोस्तों किस भी है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा और भी इन्होंने कुछ जो है जगह पे बर्ड्स रखे हुए वो भी अच्छे से दिखाऊंगा आपको। तो अंकल सच में दिल काफी ज्यादा खुश हुआ जिस तरह से आप बर्ड रख रहे हैं। लोग काफी जो है छोटे छोटे पिंजरों में बर्ड को रखते हैं, जिससे क्या होता है कि बर्ड खुश नहीं रहते उसमें। और दोस्तों मैंने इनके बर्ड सेटअप पे देखा कि बर्ड काफी ज्यादा खुश है, रियली इनके बर्ड बहुत ज्यादा खुश है। इन्होंने जो फ्लाइंग दी है बर्ड को, और दोस्तों मेन बात यह है कि सर्दियों में गर्मियों में बर्ड पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरफ आप देखें, इस तरफ दोस्तों एक विंडो है, दोस्तों आप ये देखें डोर है, जहां से क्या है कि कितनी भी ज्यादा सर्दी हो लेकिन अपने जो पक्षी है उनको सर्दियों का एहसास नहीं हो पाता है, क्योंकि जो कमरे की लंबाई है वो लगभग अंकल मेरे हिसाब से होगी 12 फीट कमरे की लंबाई है, और जो कमरे की चौड़ाई है वो मेरे हिसाब से 10 फीट के लगभग होगी। तो कमरा काफी बड़ा है और कमरे की हाइट भी लगभग 9-10 फीट है जो कमरे की हाइट है। और मटकियां भी कई सारी लगा रखी है इसमें। दोस्तों मैंने मेनली देखा कि मेल की जो क्वांटिटी है वो मुझे ज्यादा लग रही है थोड़ी सी, और आप हमेशा नोट करें कि बजरी तोतों में जो ज्यादा खूबसूरती होती है वो मेल बजीज में ही होती है। तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों हमें बर्ड सेटअप। आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये बर्ड सेटअप कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए आपको और भी कुछ जो है बर्ड दिखाएं।
तो दोस्तों यहाँ पर भी देखें, इन्होंने एक पिंजरे के अंदर बर्ड्स रखे हुए, पिंजरा लकड़ी से काफी मजबूती से और काफी खूबसूरती से बना हुआ है। दोस्तों ये आप देखें, हाइट में भी है ये पिंजरा, और यहाँ पर भी दोस्तों जो है बुजीज पैरेट की ब्रीडिंग होती है। दोस्तों सभी बर्ड लवर का पक्षियों को रखने का तरीका अलग अलग होता है, और इनका तरीका ये है। इनके तरीके में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि ये अपने बर्ड को फ्लाइंग काफी अच्छी देते हैं, इनके बर्ड का साइज काफी अच्छा है, इनके बर्ड काफी खूबसूरत है। तो दोस्तों आपने देखा आज इनका बर्ड सेटअप, तो मुझे जरूर से जरूर कमेंट करें कि इनका बर्ड सेटअप आप सभी को कैसा लगा। धन्यवाद। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक आए। बाय बाय फ्रेंड्स।